नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज मैं आ चुका हूँ सिरसागंज डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में ट्रैक्टरों की कतार लगी हुई है स्टोर में आलू की लोडिंग होने के लिए। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ के मैनेजर साहब और किसानों से, और आलू के बारे में आपको जानकारी देंगे क्या रेट आलू बिक रहा है और आलू की इस क्षेत्र में क्या कैसी पैदावार है। ये अभी हम LP कोल्ड स्टोरेज पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉलियों की कतार लगी हुई है और आलू की लोडिंग लगातार स्टोर पर हो रही है, और आलू की समस्त जानकारी और के बारे में बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नरेश है। आप किस गांव के रहने वाले हो? मैं टोडरपुर बोतरी का रहने वाला हूँ। और ये अभी जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर अभी, और किस जगह पे अभी आप खड़े हुए हो? जे हमें अभी LP कोल्ड में खड़ा हुआ हूँ मैं, सिरसागंज क्षेत्र में पड़ता है ये। सिरसागंज क्षेत्र में? हाँ। और सिरसागंज क्षेत्र में कौन कौन सी वैरायटी का आलू ज्यादातर होता है? 87-97 होता है, AK सिंह वाला होता है, ख्याति होता है, और लोखर होता है, और मोहन कुफरी होता है, सब वैरायटी होती है हमारे यहाँ। अभी इस सिरसागंज क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र में कितने परसेंट आलू खुदाई हो चुकी है? आलू की खुदाई कम से कम 70% हो चुकी है हमारे यहाँ। 70% आलू खुदाई हो चुकी है? हाँ, खुदाई हो चुकी है। 30% बाकी है अभी। 30% बाकी है? हाँ। और इस साल आपको ये नहीं लग रहा है पिछली साल से या हर साल की अपेक्षा कुछ जल्दी खुदाई हो रही है? हाँ, जल्दी खुदाई हो रही है। क्या कारण है इसका? क्या कारण? महंगाई है। महंगाई की वजह? हाँ हाँ, महंगाई से खुद रहा है। अभी आलू की अगर रेट की बात की जाए तो इस क्षेत्र में और जिस खेतों से आलू खरीदा जाता है मंडी में बिक रहा है, क्या रेट बिक रहा है अभी? रेट तो आलू की कीमत है 37-97 है, 700 रुपये बिच रहा है। मोहन 600 रुपये, 650 रुपये बिच रहा है। लोखर जो का 700 रुपये बिच रहा है। आलू किस्म की बात है वो तो रेट। आलू आपके क्षेत्र में पिछली साल से ज़्यादा लगाया गया है, कम लगाया गया क्षेत्रफल के हिसाब से? क्षेत्र बैलेंस के हिसाब से आलू इन साल जो का खूब लगाया गया है, पिछली साल से जो का लगभग ज़्यादा ये कम नहीं है। ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। अगर पैदावार की बात की जाए तो पैदावार में क्या कहेंगे पिछली साल? पैदावार स्थिति इन साल कम है थोड़ी, जो कहा 45-50 के लोग, 55 के तो एक आध दो का निकला है ना, जो कहा गया था 45-50 निकला है, खूब निकला है 40-50 का। हाँ। और पिछली साल कैसी पैदावार थी? पिछली साल पैदावार अच्छी थी। अच्छी थी? हाँ। कितने कट्टे तक का निकलता था? जो 65 का, 70 का भी, 55 का भी, 70 तक का निकला। निकल नहीं निकला है इन साल? इस साल किसी का निकला? नहीं निकला है, नहीं निकला है। जैसे वो बताया जा रहा है मोहन आलू होता है। हाँ, मोहन आलू की पैदावार कैसी? मोहन भी 55-60 का, किसी के ज्यादा नहीं निकला है। जैसे कई जगह मुझको सुनने को मिला है कि किसान बताते हैं कि वो आलू 100 कट्टे बीघे तक का निकला। नहीं निकला है हमारे यहाँ, नहीं निकला हमारे यहाँ, नहीं निकला है कहीं भी निकला हो। आपके यहाँ नहीं निकला? नहीं निकला है हमारे यहाँ। इस साल सिरसागंज क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की क्या कैसी स्थिति रह सकती है? कोल्ड स्टोर फुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ना, कोल्ड स्टोर फुल हो पाएंगे लेकिन सब नहीं हो पाएंगे। जो बढ़िया कोल्ड हैं, अच्छे हैं, वही फुल हो पाएंगे। हम अभी वीडियो में दिखा रहे हैं, ये LP कोल्ड स्टोरेज सिरसागंज में अभी खड़ा हूँ। यहाँ पर तो ट्रालियों की और कई DCM की कई जगह लगभग 100 ट्रॉली या कतार लगी हुई है, आप कह रहे फुल नहीं हो पाएंगे? LP कोल्ड फुल हो जाएगा। चाचा कोल्ड जो बढ़िया कोल्ड है वही फुल हो पाएंगे ना, जो कहा गया जो छोटे कोल्ड है वो नहीं हो पाएंगे। अच्छा, LP है और जी हमारे कागज कई कोल्ड हैं, फरसैया वगैरह हैं और जो पीछे है ये हो जाएंगे, अच्छे कोल्ड फुल हो पाएंगे, और छोटे मोटे कोल्ड नहीं हो पाएंगे हमारे आराम में, नहीं हो पाएंगे फुल। और इस साल आपने कितना आलू किया है? हमने किया है आलू इन साल 15 बीघा है मेरे पास। 15 बीघा पिछले साल से आपने ज्यादा किया कम किया है? पिछले साल से हमने इन साल ज्यादा किया है, कम नहीं किया है। ज्यादा किया है? पिछले साल मेरे पास 8 बीघा आलू था केवल, पिछले साल तो दोगुना किया। हाँ, आपने ज्यादा किया है तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्र में ज्यादा ही आलू हुआ भी। अच्छा, हमने ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है, किसी ने बंद कर दिया है, नहीं किया है उसमें क्या है? और हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को या सरकार को कोई आप संदेश देना चाहते हो? मैं क्या संदेश दूं, बताइए आप, वही देना चाहता हूँ मैं तो। अगर रेट बढ़िया है, अच्छी है, सब्जी बढ़िया है, किसानों की कोई मांग रहती है सरकार से आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके बारे में आप बताइए। मैं समाजवाद भी जिका कहता, मैं बात नहीं करना, इलेक्शन की बात नहीं करना चाहता हूँ, खेती की बात करना चाहता हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम और ये जो स्टोर का लोकेशन वगैरह आप बता दीजिए। जी, मैं अजय गुप्ता, LP कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, LP सीतगरा प्राइवेट लिमिटेड, ये दो ब्रांच है। ये आपके स्टोर में कितनी कैपेसिटी है आलू रखने की?
लगभग 6.5 लाख पैकेट। 6.5 लाख पैकेट। इस साल आलू की सिरसागंज क्षेत्र में क्या कैसी स्थिति है? देखिए स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो यील्ड भी थोड़ा कम निकल रहा है। पिछली साल से 10% आलू एरिया में भी कम था, लेकिन लोडिंग जो हुई है 15% एक्स्ट्रा। जैसे खुदाई कितने परसेंट हो गई होगी इसका? समथिंग नियर अबाउट 70%। 70% खुदाई हो चुकी है अभी। आपके अभी हम एलपी कोल्ड स्टोरेज में खड़े हुए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर कई ट्रॉलियों की कतार लगी हुई है। ये अभी हम यहाँ के ओनर इनसे अभी बात कर रहे हैं, ये आलू के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं इस स्टोर में कतार लगी हुई है ट्रॉलियों की, और स्टोर के बाहर भी लाइन लगी हुई है ट्रॉलियों, और कई डीसीएम से भी आलू आता है, और भी उनसे अभी हम बात करके जानकारी ले रहे हैं, क्या बता रहे हैं क्षेत्र के बारे में। हमारे सिरसागंज क्षेत्र में कौन कौन सी वैरायटी का ज़्यादातर आलू होता है? सिरसागंज में मुख्यतः सबसे ज़्यादा आलू की जो क्वालिटी है वो 37-97 CPRI और चिप्सोना, पुखराज, ख्याति, 302 लॉकर। अभी इस क्षेत्र में आलू के रेट क्या चल रही है? रेट अकॉर्डिंग अभी जो लोडिंग के रेट चल रहे हैं नियर अबाउट 800 रुपये पैकेट, 1600 रुपये कुंटल के समथिंग। 1600 रुपये कुंटल सिरसागंज मंडी में रेट चल रहे हैं या फिर खेतों से? खेतों से 15 रुपये से 16-16.5 रुपये तक, मंडी में 750 से 800 रुपये पर पैकेट मंडी में। और जैसे इस सिरसागंज क्षेत्र में कितने स्टोर होंगे टोटल? सिरसागंज में नियर अबाउट 70 कोल्ड स्टोर, 70 कोल्ड स्टोर होंगे। अगर फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने कोल्ड स्टोर होंगे? डिस्ट्रिक्ट में मान के लिए 230 कोल्ड स्टोर। नियर अबाउट 230 कोल्ड स्टोर, लगभग 230 कोल्ड स्टोर हो गए जी। और क्या कहीं संभावना है साल कोल्ड स्टोर फुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? खुदाई को देखते हुए लग रहा है 70% खुदाई हो चुकी है, लेकिन अभी एवरेज जो डिस्ट्रिक्ट का लग रहा है वो 40% है। कोल्ड स्टोरेज 40% फुल हो चुके हो पाए हैं, भर पाए हैं आपका? तो ये अभी स्टोर में देख रहे हैं, यहाँ पर अभी अपने वीडियो में भी दिखाया कई जगह लाइन लगी हुई है, और आप बता रहे हैं 70% स्टोर फुल भी हो चुका है, तो क्या कारण है आपके यहाँ सबसे ज़्यादा किसान ट्रस्ट करते हैं? देखिए किसान का माल सुरक्षित रहे, उसकी बिक्री अच्छी हो जाए, पैसा समय पर मिल जाए, किसान इसीलिए संतुष्ट है। जैसे आप कुछ आलू खरीद के भी रखते हो या फिर पूरे आपके यहाँ किसान ही रखते हैं? ये सारा आलू हमारे किसान बंधुओं का ही है, किसान भाइयों का ही है जी। इस साल जो अभी रेट चल रहे हैं, अभी रेट लगभग आपने 700 रुपये से लेके 850 रुपये पैकेट के बताए हैं, जो 52 किलो आलू के रेट हैं, 53 किलो के, तो अभी किसानों को रेट सही मिल रहे हैं जी। तो किसान कई जगह मंडियों का भी रुझान कर रहे हैं मंडियों में जाने का जी, और स्टोर में भी रख रहे हैं। इस साल पिछले साल से किसान ज़्यादा स्टोर में रख रहे हैं या कम रख रहे हैं? एवरेजन पिछली साल से क्वांटिटी लेस हुई है, किसान तो उतने ही हैं, जिस किसान के पास 1000 पैकेट होता था उसके 650 पैकेट आ रहे हैं, क्वांटिटी किसानों की वही है, माल का डाउनफॉल हुआ है। जैसे लगातार 3 वर्षों से किसानों को नुकसान हो रहा था आलू में, बिल्कुल, और इस साल क्या उम्मीद है किसानों को? अभी तो सही रेट मिल रहे हैं, आगे आप अपने अनुमान के हिसाब से बता सकते हो क्या उम्मीद रह सकती है? जब तक साउथ की फसलें नहीं आ रही हैं या अदर स्टेटों की फसल नहीं आ रही हैं तब तक माल में बढ़ोतरी होती रहेगी। जैसे हमारे ये एलपी कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ से व्यापारी लोग किस किस जगह के लिए लोडिंग करते हैं? यहाँ से सारे स्टेटों के लिए लोडिंग है, मुख्यतः साउथ में कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र है, महाराष्ट्र है, और कुछ बिहार के इलाके में भी जाता है, पूर्वांचल में भी जाता है। और ऑल ओवर अगर सिरसागंज की बात की जाए तो सिरसागंज क्षेत्र में कितने परसेंट कोल्ड स्टोर भर पाएंगे, और इस साल रकबे में आलू पिछली साल से कम लगाया गया है ज़्यादा लगाया गया है? पिछली साल के नियर अबाउट लगा तो बराबर है, लेकिन इस साल भाव अच्छा होने के कारण मंडियों की डिमांड बनी रही, उसमें 15-20% आलू एक्स्ट्रा खुदाई हो चुकी है, तो वही माइनस मार्किंग हो रही है 30% की। आप हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी के माध्यम से किसानों को या सरकार को कोई संदेश देना चाहते हो? सरकार के लिए मेरा केवल यही संदेश है
कि किसानों का भरपूर भाव मिलता रहे और उनकी जो जन सुविधाएँ जैसे कि मंडी समिति, ये माफ़ होनी चाहिए। टोल टैक्स जो कच्चे उत्पादों पर है उन पर छूट मिलनी चाहिए, तो इससे किसान को थोड़ा और भरपूर लाभ मिले। किसान का लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है, DAP की बोरी बहुत महंगी हो रही है, डीजल महंगा हो रहा है, आलू को भी उसी अनुपात से बढ़ना चाहिए। जैसे पिछले 3 सालों से किसानों को नुकसान हो रहा है, अब 700 से 800 रुपए कट्टे रेट मिल रहे हैं, तो किसानों को लागत के हिसाब से कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रही है? फायदा तो है, लेकिन उतना फायदा नहीं है जो उसको मिलना चाहिए। और जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है डीजल की और अन्य उर्वरक की, उस हिसाब से किसानों को अभी भी जी रेट सही नहीं मिल पा रही है। और लेबर की भी प्रॉब्लम है, लेबर की रेटें भी बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन। इसी प्रकार की आलू से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। आज हम LP कोल्ड स्टोरेज सिरसागंज पर आए हैं। यहाँ पर हमने यहाँ के ओनर से बात की और उन्होंने आलू के बारे में समस्त जानकारी दी और यहाँ के स्टोर कितने % फुल हो सकते हैं और इस साल स्टोर और कितनी खुदाई हो चुकी है उसके भी बारे में समस्त जानकारी दी। और हमने किसानों से भी बात की। और आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।